राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण कार्य हेतु संचालित स्वामित्व योजना की समीक्षा की। एनआईसी सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सीआरओ चंद्रशेखर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी ने कहा कि 3000 गांवों में घरौनी का वितरण होना है, जिसकी तैयारियां सभी लोग पूरी कर ले तथा 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले पंचायती दिवस की भी तैयारियां अभी से शुरू कर ले, जिससे सभी कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से संपन्न कराया जा सके। जो गांव हैं उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं इवन बिफोर आपको सर्वे ऑफ इंडिया कॉन्टेक्ट करे, बिकॉज दे आर गोइंग टू नाउ कॉन्टेक्ट यू। अच्छा, अभी ये इस तरह करके कुछ भी ऐसे नंबर नहीं, नंबरिंग जो प्लॉट्स की है वो नहीं की जानी है, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही होने हैं, नो फ्रैक्शंस अलाउड। उसकी संख्यांकन सही हो, एज वेल एज अनदर थिंग इज के जो कल परसों में जो फंक्शन होना है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब वितरण कर दिया जाएगा उसके बाद फिजिकल जो है प्रपत्र उसका माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा वितरण हो जाए गाँव में, वो आप प्लान आउट कर लेंगे एंड अकॉर्डिंगली आप जैसा आपके आपको ऑलरेडी कम्युनिकेट किया गया है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना वहां पे कार्यक्रम करवा लेंगे। थैंक यू। स्वामित्व योजना के बारे में किसी को कोई क्वेरी है? नमस्कार मैम, नमस्कार सर। सर ठीक है सर, अभी नक्शा वहाँ से कम से कम 200 नक्शा आना है सर, सर्वे नहीं है। उन 11 जिलों को पता है, लगभग 1000 गांवों में हम इस घरौनी का वितरण कराएंगे। आपकी हर तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए और किसी भी क्षण हम आपको उस डेट और टाइम से अवगत कराएंगे। इसके बाद वैसे मार्च में भी ये डेट है, लेकिन 24 अप्रैल जिस दिन देश में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और आपको पता ही होगा कि इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर पंचायती राज मंत्रालय इसको लीड कर रहा है, इसको मॉनिटर कर रहा है, तो पंचायती राज दिवस पर जो लक्ष्य रखे गए हैं उनको समय से कार्य पूरा करने के लिए हमें सक्रिय रुचि लेके यत्न करना होगा। और मैं आपको बता दूं कि परसों भारत के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव हमारे साथ होंगे, इसलिए मैं अभी तो नहीं नोट कर पा रहा हूँ समय के अभाव से, लेकिन यदि सर्वे ऑफ इंडिया के विषय में किसी भी जिले को कोई फीडबैक अगर देना है तो कल दोपहर या शाम तक ईमेल अथवा फोन के जरिए हमारे डीएम ऑफिसर्स को नोट करवा दें, हम इसको सचिव पंचायती राज भारत सरकार के समक्ष ला सकेंगे। जो इस समय पर स्पेशली जिन जो जिले जो गांव मानचित्र एक तैयार होने की स्टेज में है उनको थोड़ा सा समय लेके इस प्रकार से कार्य करना होगा कि हम आपके गांवों में 8 मार्च जो हमारी मार्च की डेट है उसमें भी घरौनियों का वितरण करा सकें। उसके बाद बड़ा काम 24 अप्रैल को होगा। मैं मुझे केवल यही अनुरोध करना है कि बहुत ही देश स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की ये बहुत ही प्राथमिकता की स्कीम है, जिसमें अभी तक सभी लोगों ने ध्यान दिया, बट अगर किसी वजह से कुछ चीजें पिछड़ रहे हैं स्पेशली सर्वे ऑफ इंडिया की वजह से तो हमें अवगत करा सकते हैं, हम उसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लेवल पर ठीक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, सुभाष बोल रहा हूँ। में काम हुआ उनके नाम आयुक्त जन सचिव ने लिए हैं। मैं अभी भी आश्वस्त हूँ कि अपर जिलाधिकारीगण जो इस कार्य को देखते हैं एक बार इसको बहुत ही बारीकी से समीक्षा लें तो इसमें काम बहुत अच्छा हो सकता है। जो जनपद पिछड़ रहे हैं 100% काम भी पूरा किया है, तो मैं सोचता हूँ मैं उन लोगों के भी नाम ले लूँ जिन्होंने 100% कार्य किया है, जिन्होंने के लिए ये पूरा हो सकता है, तो अब पहुंचे
एक आध जिले और हो सकते हैं हमारे दस जिले दो दिन पुरानी है, लेकिन 10 जिले 100% काम कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों है कि 8-10 ऐसे जिलों जिनका नाम लिया गया वो उसके पीछे जो प्रयोजन रहा है उसको शुरू में बता दिया है, तो इस काम को ध्यानपूर्वक संपन्न करना पॉइंट है। बस एक एजेंडा सर अगला ये है कि सतौनी पुनरीक्षण और अंश निर्धारित जस्ट रिमाइंडर फॉर दी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे थोड़ा काम आपका छूट गया है वो कंप्लीट काइंडली कर लीजिए। आई एम रीड आउट उसी पे जाता है उसे आगे से लिफ्ट लेना होता है उसका अंदर सर। ये पुराना ऑफिस है लखनऊ, ये सर LR के केसेस देखता है जुडिशियली।